स्टूडेंट्स, ये है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, फोर्थ एडिशन। और ये जितने भी मैं क्लासेस आप लोगों के साथ लूंगी, चाहे किस तरह से एग्जाम देना चाहिए, पेपर 2 का ऐसे कैसे लिखना चाहिए, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सब मैं इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये बुक मैं हमेशा स्क्रीन में आपको दिखाऊंगी, और इस बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। पूरा का पूरा ये राइटिंग सेक्शन का बैच जो है, मैं इसी बुक से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इस बुक में जो इंडेक्स अगर आप देखोगे, एग्जाम पैटर्न जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जाम राइटिंग टिप्स मैंने बता दिया, प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी हमने बात कर ली, आज हमने एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज बात की। अब एक और सेशन होगा, वो है असेसमेंट पैरामीटर। ये सेशन हमारा बाकी है, और एक सेशन है हाउ टू सर्च कंटेंट ऑन गूगल, ये भी बाकी है। ये 2 सेशन और होगा। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सारा मुझे इसी बुक से पढ़ाना है। और इस बुक में आप लोगों को ये पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर्स मिलेगा, साथ में जो मैं बार बार बोलती हूँ ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, तो जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, फर्स्ट 4 पेजेस, वो आपको अपेंडिक्स ए में मिलेगा, यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग शीट मिलेगी, और प्रेसी राइटिंग शीट मिलेगी जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला पेज है ना, इसको, ये यूपीएससी वाला ही पेज है। ठीक है, ये फर्स्ट 4 पेजेस आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग इसको एग्जाम के पहले भी इसको पढ़ के जाओगे, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि आप इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करो। ये यूपीएससी के प्रेसी शीट है, जो आप लोगों को मैंने पोस्ट भी किया है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे, बॉक्स हल्का सा छोटा है, जो यूपीएससी का असली जो यूपीएससी बॉक्स प्रोवाइड करता है, और ये है यूपीएससी की शीट। ओके, अच्छा, अब जो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक हमेशा मिलती है, हर बैच में मिलती है, मगर स्टूडेंट इस बुक को बहुत लाइटली लेते हैं, और मुझे बड़ा बहुत दुख भी होता है कि हाँ ये बुक है। आप बिलीव करोगे, इस बुक में 238 सैम्पल एसे क्वेश्चन है, 75 आर्गुमेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली क्वेश्चन विद सोल्यूशन, 53 रिपोर्ट क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, फिर साथ में आप लोगों को जो पीडीएफ मिली है जिसमें 35 ऐसे क्वेश्चन विद आंसर्स है, 20, मुझे लगता है 20 पीडीएफ मिली है ना आप लोगों को, येस और नो? यस मैम, हाँ, आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर, रिपोर्ट क्वेश्चन विद आंसर, इसको लाइटली मत लो स्टूडेंट। अब रीजन मैं बता रही हूँ, वो रीजन क्या है, वो रीजन अब शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों को। चेकमेट राइटिंग सेक्शन का बुक जो है, वो मैं सिर्फ 2 साल का आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और वैसा ही क्वेश्चन बुक में है, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक में है। अब वो मैं आपको बता रही हूँ, 2023 एग्जाम का बताऊंगी और 2022 एग्जाम का। ठीक है, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ओके, इस बुक में जो मैंने जो बुक में फ्रेम किया है क्वेश्चन, वो देखो, इट इज प्रूडेंट टू गो फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एज अ सोल्यूशन टू हंगर प्रॉब्लम, फूड सफिशिएंसी, हंगर प्रॉब्लम, बात एक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बात एक ही है, और ये आपको पेज नंबर 176 में मिलेंगे। तो मैं आपको 176 दिखा रही हूँ, ये रहा, इट इज प्रूडेंट टू गो फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एज अ सोल्यूशन टू द हंगर प्रॉब्लम, ये रहा, गॉट इट स्टूडेंट? तो इस बुक में ये बताने का मकसद यही है कि आप लोग इस बुक को लाइटली मत लो, बहुत वजनदार बुक है ये। अब उसके बाद
नेक्स्ट हम देखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इज डिटरेंट फॉर हीनियस क्राइम. कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? डेथ पेनाल्टी होता है. ओके तो डेथ पेनाल्टी जो है, मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वो ये था, डेथ पेनाल्टी मस्ट बी अबॉलिश इन इंडिया. और इसमें बोल रहा है कैपिटल पनिशमेंट इज डिटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, यानी अगर हम डेथ, किसी को डेथ पनिशमेंट देते हैं, ये सेंटेंस करते हैं, तो वो क्राइम को रोक सकता है. ठीक है, और इसमें ये है, बात यही है. आप देखिए, ये आपको 197 पेज में मिलेगा. ये रहा, अबॉलिश क्यों करना चाहिए इसको, ये इसमें डेथ पेनाल्टी मस्ट बी अबॉलिश इन इंडिया. ठीक है, काफी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कंटेंट आपको काफी मिल जाएगा. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है ई वेस्ट पे. और ये आर्गुमेंट पूछा गया था, ये ऐसे है, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन. ई वेस्ट पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और ई वेस्ट पे क्वेश्चन मैंने बनाया था 2019 में बनाया था ई वेस्ट पे क्वेश्चन. स्टूडेंट्स कहते हैं मैम करंट का है, करंट का है. ई वेस्ट मैंने तब पूछा था, उस समय हिंदू न्यूज़पेपर में ई वेस्ट पे आया था, तो मैंने ई वेस्ट पे क्वेश्चन बना दिया था. तो पूछ लिया क्वेश्चन, मैं आपको दिखा रही हूँ ई वेस्ट पे. मैंने पेज नंबर कौन सा था, आई फॉरगॉट, 243, 246, 244, ई वेस्ट मैनेजमेंट अ चैलेंज टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. ये मैंने क्वेश्चन 2019 में पूछा था, और यहाँ पर यूपीएससी वालों ने, और ये 2019 वाला, देखिए 2018, 19, 20 जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर भी है. ओके तो ऐसा नहीं है करंट पे पूछा जाता, ई वेस्ट पे फिर से हिंदू में आया होगा, तो इसने यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया. और ई वेस्ट तो ग्लोबल इश्यू है, कभी भी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन. अब उसके बाद डायस्पोरा, ये भी मैंने 2019 में पूछा था डायस्पोरा पे क्वेश्चन. यूपीएससी ने पूछा इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये ऐसे क्वेश्चन 2023 में आया था. मैंने जो ऐसे क्वेश्चन बनाया वो है इंडियन डायस्पोरा इज इंडियाज एसेट, इंडिया के लिए एक एसेट है, मगर साथ में श्राप भी है थोड़ा सा. तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है इस ऐसे के कंटेंट में. ये 268 पेज में है. मैंने वापस से शेयर कर दिया. ये रहा इंडियन डायस्पोरा इज इंडिया एसेट इन. स्टूडेंट जब आपको जैसे ही बुक मिलती है, आप लोग इसका कंटेंट को लेना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो. इसमें क्या चीज, कौन सा आपको ऐसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, कौन सा
ऐसा ऐसे क्वेश्चन है जो हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया हुआ, ये सब आप लोग देखना शुरू करो। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ इंडियन वेमेन इन स्पोर्ट्स, तो जो आप लोगों को पीडीएफ मिली है, मैं वो पीडीएफ ओपन नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को जो पीडीएफ मिली है उसमें ये मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा। ये रिपोर्ट में आया है मगर मैंने ये ऐसे क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियसली एक ऐसे क्वेश्चन आना भी था क्योंकि उस समय रेसलर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था और थोड़ा सा वॉयलेंट भी हो गया था, तो मैंने इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, रेवोल्यूशनाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमन। फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द टू क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपको जो पीडीएफ मिला, ये एक्चुअली मैंने ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर में दिया था, जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था उसी के एक टेस्ट पेपर में ये दोनों क्वेश्चन दिया था। अ पॉलिटिकल एजुकेशन सोल्यूशन टू डेमोक्रेटिक डिके, तो ए पॉलिटिकल एजुकेशन इसका मतलब क्या होता है? एक होता है स्टूडेंट, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे सोशल होता है, अगर मैं बोलती हूँ आप सोशल हो, इसका मतलब है कि आप लोगों से घुलते मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो। मगर यदि मैं बोलती हूँ आप एंटी सोशल हो, तो इसका मतलब है आप कोई भी सोशल वैल्यू सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हो, आपका खुद का अपना ही है वैल्यूज नॉर्म, ठीक है, आप खुद अपना ही सेट करके रखे हो, उसी को फॉलो करते हो, फाइन। अगर मैं बोलती ए सोशल हो, देखिए एक तो सोशल, ए सोशल एक एंटी सोशल, तो अगर ए सोशल बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप रिजर्व हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। वैसे ही अगर हम बोलते हैं पॉलिटिकल, ऑब्वियसली मतलब समझ में आ गया होगा, एंटी पॉलिटिकल मतलब समझ में आ गया होगा, अगर ए पॉलिटिकल हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा एजुकेशन जिसमें पॉलिटिकल बायस बायसनेस नहीं हो, कोई पॉलिटिकल प्रेजुडिस ना हो, हम पॉलिटिक्स के बारे में बताएं मगर बिना फेवरेटिज्म के, उसको हम कहते हैं ए पॉलिटिकल एजुकेशन, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिके से बचने के लिए ए पॉलिटिकल एजुकेशन जरूरी है। तो टोटल आप सोचिए, बुक से तो टोटल 3 क्वेश्चन आए थे और जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम रखा था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, ओके 4 क्वेश्चन बुक से आए थे 2023 में। अब 2022 का देखिए, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, हिंदू न्यूज़पेपर में, हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं आया था, शायद डेक्कन हेराल्ड में आया था। फिफ्थ मेजर मास एक्सटिंक्शन, नहीं सिक्स मेजर मास एक्सटिंक्शन, ये आया था इस कॉलम, ये हेडलाइन था, इसमें लिखा हुआ था कि अब बहुत सारे स्पीशीज बहुत बड़ी तादाद में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं हमारे अर्थ से, ओके। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि ह्यूमन आर ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, और क्वेश्चन आया कैंपेन टू सेव द एंडेंजर स्पीशीज। आप ये क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा उसमें आप लोगों को इस 6 मेजर मास एक्सटिंक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बताओगे कि हाँ एक कैंपेन हमें चलाना चाहिए जिसमें हम एंडेंजर स्पीशीज को सेव करें। बिना मेजर मास एक्सटिंक्शन को बताए हुए अगर आप ये कैंपेन के बारे में लिखोगे तो बहुत ज्यादा उसका वेटेज नहीं रहेगा। तो इसमें मैंने उस कैंपेन के बारे में बताया है, ये 5th मेजर मास एक्सटिंक्शन है, 6th है, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ, ठीक है, 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो 6th एंड 6th, एक मिनट, द न्यू यूएन ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट वॉर्न दैट बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग ग्लोबली एट अनप्रेसिडेंटेड रेट्स एंड इट विल रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ 1 मिलियन आउट ऑफ 8 मिलियन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। This has raised the fear of planet undergoing 6 major extinction that may collapse the natural ecosystem we rely upon to survive.
ये इंट्रोडक्शन दे सकते हो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कैंपेन के बारे में। तो बेसिकली आपको इसमें कैंपेन के बारे में बताना है, तो ये इंट्रो देकर सीधे आप कैंपेन के बारे में बता सकते हो। जबकि मुझे इसमें जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसमें मुझे ये बताना कैसे ह्यूमन इज द कॉज फॉर दिस एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ह्यूमन को ही फोकस में लेकर जैसे अनदर एक्सटिंक्शन ड्राइवर बाय ह्यूमन, द सिक्स एक्सटिंक्शन इज कॉज बाय ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन मेडिएटेड क्लाइमेट चेंज। तो मेरा यहाँ पे जो सेंटर है वो ह्यूमन का, मगर उस ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी वाले में आपको जो सेंटर ऑफ द कंटेंट जो होगा वो कैंपेन के बारे में होगा। अब नेक्स्ट है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वेमेन इन इंडियन आर्म फोर्स। इधर 2022 में पूछा गया था और मैंने ये पूछा था 2020 में या 2021 में पूछा था, ठीक है, और ये 288 में है। जेंडर बैलेंस इन द आर्म फोर्सेस, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वेमेन इन द आर्म फोर्सेस, ये मैंने जेंडर बैलेंस के बारे में बताया है। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन में कुछ चेंजेस हुए थे उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, मगर उस समय यूपीएससी ने नहीं क्वेश्चन पूछा। जब ये आया ना हिंदू में तब नहीं पूछा गया क्वेश्चन, बाद में पूछा गया था। तो ये पहले, हाँ ये रहा। इन अ लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इन फेब्रुअरी 2020 ऑर्डर्ड द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वेमेन ऑफिसर्स इन द आर्मीज नॉन कम्बैटेंट सपोर्ट यूनिट। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया था कि परमानेंट कमीशन में अब वेमेन ऑफिसर जो है, वेमेन ऑफिसर इन द आर्मी नॉन कम्बैटेंट सपोर्ट यूनिट्स ऑन पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब मैंने ये क्वेश्चन बनाया जेंडर बैलेंस इन द आर्म फोर्सेस, और ये मैंने 2021 में बनाया था, नहीं 2020 में ही बनाया था, फेब्रुअरी में आया था और मैंने इसका क्वेश्चन बनाया था। तो आई मीन 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। तो ये बुक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो है इज साइंस एंड रिलीजन अ मिथ। अब देखिए ईस्टर्न विजडम का मतलब होता है रिलीजन और वेस्टर्न साइंस मतलब साइंस, तो इसमें सिंथेसिस की बात की जा रही है, यानी विजडम यानी रिलीजन और साइंस को जोड़ने की बात की जा रही है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर भूल गई, यहाँ पर कंफ्लिक्ट होगा, मैं कंफ्लिक्ट लिखना भूल गई, कंफ्लिक्ट। तो यहाँ पर साइंस और रिलीजन के बीच में कंफ्लिक्ट है, लड़ाई है, मैं इस लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है यूएनओ हैज बिकम रिडंडेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने, ये अभी 2022 में पूछा गया, ये मैंने 2021 में पूछा था यूएनओ का। द यूएनओ इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, ये आर्गुमेंट क्वेश्चन ही था इसका। 354 है, इसको मैं दिखा दूं। ये रहा, यूएनओ हैज बिकम रिडंडेंट। नहीं, ये क्वेश्चन, ओहो तो दूसरा आ गया। एनीवेज दिस क्वेश्चन इज देयर आफ दिस क्वेश्चन, पेज नंबर गलत लिखा है। फिर ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये 2022 में पूछा गया था, मैंने 2019 में पूछा था इसको, मैंने 2019 में, मैंने 2020 में पूछा गया था। इंडिया प्रोग्रेस टू ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजी,
एकदम सेम क्वेश्चन है ये, मैंने एसे में पूछा गया था और ये क्वेश्चन रिपोर्ट में आया था। ये क्वेश्चन क्यों आया था, ये मैंने क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया था वो भी मैं आपको बता दूं। एक रिपोर्ट आई थी, आई कांट फाइंड दैट क्वेश्चन। एनीवेज ये जो क्वेश्चन एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ तो वो एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उस रिपोर्ट की वजह से ये मैंने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने बहुत बाद में क्वेश्चन दिया था, हो सकता है उस समय भी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई होगी। एनीवेज स्टूडेंट्स, जब आपको ये बुक मिलती है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, तो आप लोग प्लीज इसको लाइटली मत लो। मैं इसी से पढ़ा रही हूँ, और आपको जो पीडीएफ मिले हैं उसको भी लाइटली मत लो। जो आपको जो भी लगता है कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको लगता है ये आ सकता है, उस एसे को या उस रिपोर्ट या उस आर्गुमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो। और जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बुक लेनी है, वो capfreshmi.com में जाएंगे, ठीक है। और यदि अभी ये बुक खरीदते हैं तो मैं दिखा देती हूँ ये बुक। जो भी 00 प्राइस लिखा हुआ है ना, अगर आप ये बुक लेते हो, सपोज 00 प्राइस वाला, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको इन बुक्स के सैम्पल पेजेस मिल जाएंगे, ओके, capfreshmi.com में। अब ये है बुक, कहाँ गया, दिस वन। अगर कोई अभी ये बुक खरीदता है, नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही हूँ, ये बुक अगर खरीदते हैं तो उनको दो पीडीएफ साथ में मिलेगी। जो पहली पीडीएफ है वो आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा है वैसे, 35 ऐसे क्वेश्चन विद आंसर्स, 17 आर्गुमेंट क्वेश्चन विद आंसर, 17 रिपोर्ट क्वेश्चन विद आंसर, इसका पीडीएफ मिलेगा। और साथ में प्रीवियस ईयर जो है, 6 साल का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन विद सोल्यूशन, क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन आपको मिलेगा, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो इनके साथ जैसे ही आप बुक, ये बुक का पेमेंट करोगे तो हार्ड कॉपी इस बुक की आपके यहाँ पर डिलीवर कर दी जाएगी, और साथ में ये दोनों पीडीएफ आपको मेल कर दी जाएगी, ओके। अब जिनकी ग्रामर वीक है उनके लिए भी मैं बता दूं, इस मेरे स्टोर में क्या अवेलेबल है जिनकी ग्रामर वीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो अवेलेबल है वो है, हाँ, जिसको एरर, जिसको पेपर 2 का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन चाहिए तो वो ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर जिसको बुक नहीं चाहिए तो ये पीडीएफ 99 रुपीज में अवेलेबल है। जिसको ग्रामर का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर्स चाहिए, ओनली ग्रामर, तो वो ये बुक ले, सॉरी, ये पीडीएफ ले सकते हैं, 299 का है। और इसमें साथ में 54 प्रैक्टिस सेट्स हैं ग्रामर के, 25 मार्क्स के, जैसे सीएपीएफ में पूछे जाते हैं वो ये ले सकते हैं, फाइन। अब ये वाला जो प्रोडक्ट देख रहे हो 250 का, ये चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है ग्रामर का। जिसकी भी ग्रामर वीक है, जिसकी ग्रामर वीक है वो लोग अगर ये लेंगे तो फायदा वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन है और सोल्यूशन है। जब तक आप लोगों के पास ग्रामर का बेस नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा रूल है, तो फिर ये वाला आप पीडीएफ लेकर क्या करोगे। जिसका ग्रामर का बेस है, जिसको ग्रामर के रूल्स पता है, जिसने कोई फॉर्मल कोचिंग ली है, मेरे से ली है, किसी और टीचर से ली है, उन और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ सीएपीएफ के लिए है, और यदि सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका चैप्टर वाइज स्ट्रेंथ,
मेरा एडजेक्टिव चैप्टर जब मैंने सॉल्व किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। इसका मतलब मेरा एडजेक्टिव चैप्टर वीक है। टेंथ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, काफी क्वेश्चन सही है, यानी मेरा टेंथ स्ट्रेंथ है। आपको ये सारा पता चल जाएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल से कंपाउंड, उसके भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज सारे इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और मैं अगर देखूँ, हाँ ये सारे चैप्टर्स देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट के टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, विद सॉल्यूशन, टाइम एडजस्टमेंट, टेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस टाइप्स नहीं होता, इंटरोगेटिव से नेगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, और एक डिग्री वाला डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, और वॉइस स्पीच तो है ही, ये पांच ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टोटल और फाइनल टेस्ट यानी 25 मार्क्स का मिक्स वाला टेस्ट है, तो टोटल 30 चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स है, और लास्ट में एक टेस्ट अवेलेबल है, तो उनके लिए अच्छा है। अब सपोज ग्रामर का मैं बता रही थी, जो जिसकी ग्रामर की बेस है वो लोग ये दो खरीद सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक 299 का, एक 250 का, और दोनों का पीडीएफ ही अवेलेबल है, हार्ड कॉपी नहीं है। अब सपोज जिसकी ग्रामर की ग्रामर का बेस नहीं है, वो लोग को ये बुक लेनी चाहिए। ओके, जो एक तो ग्रामर का वीडियोस अवेलेबल है, सीएपीएफ ग्रामर के वीडियोस अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल में, 159 रुपीज पर मंथ वो अवेलेबल है, ठीक है, वो वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस के साथ प्रॉब्लम बस ये है कि लेंदी वीडियोस है, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का लेंदी वीडियो है, मगर फिर भी अगर आप देख सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, वीडियो से अच्छा कुछ नहीं है। मगर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं वीडियो बहुत लेंदी है, तो फिर आप लोग ये बुक खरीदो, क्योंकि मैंने बुक से ही पढ़ाया है वीडियो में, ठीक है। और ये अगर आप बुक खरीदते हो तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर इसके साथ फ्री में मिल जाए, ओके। और बाकी तो ठीक है, इस और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर कल मैम कल क्लास होगा क्या? संडे है क्या? नहीं कल क्लास है, कल क्लास होगा, संडे को भी क्लास है इस बार, ठीक है। जो फर्स्ट 7 डेज है ना, उसमें वो बेसिक चीज बताते राइटिंग सेक्शन का, तो संडे तक लगातार क्लास रहेगी, उसके बाद आपकी हफ्ते में 2 बार छुट्टी आपको मिलेगी, ओके। टिल संडे क्लास रेगुलर रहेगी, ओके, ठीक मैम है सर। तो उदय आपका मैं अभी इवैल्यूएट करके आपको मैं सेंड कर दूंगी, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।